तो आज की जो रेसिपी होने वाली हो वो मार्बल स्ट्रॉबेरी केक की डिलीशियस केक की रेसिपी है। देखिए इसकी चाली, देखिए इसका थिकनेस, देखिए इसकी सॉफ्टनेस, देखिए एकदम माउथ मेल्टिंग है। तो चलिए रेसिपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आपका अपना चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। रेसिपी के लिए मैंने बाउल लिया है हमेशा की तरह, उसमें हम डाल रहे हैं 1/4 कप रूम टेम्परेचर का मिल्क और 1 TSP डाल रहे हैं मैं सादा विनेगर। डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देख रहे हैं आप, मिक्स करते हैं ये कड़ल हो चुका है, यानी कि आपका एक होम मेड बटर मिल्क रेडी हो गया है। यहाँ ये 1/2 कप की पीसी हुई घर की शुगर है, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून निकाल दिया है। अगर आप चाहें तो 1/2 कप भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है, बिना इस कोई अपना फ्लेवर का, इसे मैं डाल रही हूँ 1/2 कप। दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप यहाँ पर मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं ऑयल को रिप्लेस करके। अच्छे से मिक्स होने तक इसे अच्छे से मिलाएं ताकि आपस में घुल मिल जाए। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का एसेंस है। ये स्ट्रॉबेरी का एसेंस फैब कंपनी का है, आप कोई और भी यूज कर सकते हैं। फैब कंपनी का जो एसेंस आता है बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग आता है, इसे मैंने 1/4 TSP यूज किया है। अगर आपके पास ये वाला ना हो कि दूसरा है, तो आप अगर उसका स्मेल थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कम है, तो आप 1/2 TSP भी यूज कर सकते हैं। इसे भी डाल के हम से 2 से 3 मिनट हम इसे मिलाएंगे ही मिलाएंगे ताकि आपस में मिलजुल जाए एकदम एक साथ। तो फिर यहाँ पर रखा है मैंने एक छन्नी। छन्नी में हम डालेंगे अपना ड्राई इंग्रेडिएंट। जी हाँ, तो यहाँ पर लिया है मैंने मैदा। ये 1 कप मैदा है, आप यहाँ पर चाहें तो आटे का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डालूँगी 1/4 मिल्क पाउडर। ये एवरीडे का मिल्क पाउडर है, बहुत ही अच्छा है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसे आप यूज करें, इसके बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसे डालने से ना और टेस्ट अच्छा आता है। तो इसे है तब जरूर डालिए, केक का इससे टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 TSP बेकिंग पाउडर और 1/2 TSP बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे इसे डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले तो हम छन्नी में इसे मिक्स कर लेंगे, उसके बाद मिक्स करते ही छानेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स होते हुए छन्नी आपस में एकदम घुल मिल जाए। वेट इंग्रेडिएंट, ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करना है हल्के हाथ से। यहाँ पे मैंने नेस्ले का मैं बताया था, एवरीडे का मैंने यहाँ पे यूज किया है, तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं या कोई और कंपनी का भी मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं। ये छोटे छोटे पाउच भी आते हैं, और बड़ा पाउच का था, ये छोटा पाउच का है। 10 वाली आती है, इसे भी आप यूज कर सकते हैं, कोई भी ले लें। यहाँ पे अच्छे तरीके से हम छन्नी में छानेंगे, मिक्स करेंगे, और अब दोनों को, ड्राई इंग्रेडिएंट को और वेट इंग्रेडिएंट को, हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। बहुत जोर जोर से मिक्स नहीं करना है, ठीक है? देखिए कुकिंग और बेकिंग कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, इसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है और दिल लगाना पड़ता है। तो आप मेरे वीडियो को देखकर उसी मेथड से बनाइए, आपका भी केक वैसा ही बनेगा जिस तरीके से मेरे वीडियो में दिख रहा है। तो इसमें आप जितना दिल लगाइएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आपको रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। तो बस आपको कोशिश करना है, और वीडियो इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा, वीडियो को देख के बनाइए, आपका जो काम है और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा मिल्क था वो 1/4 कप लग चुका था। अब यहाँ पे तो मेरा 1/4 लगा था, आपको इसे ज़्यादा भी लग सकता है, हो सकता है इसे कम भी लग सकता है, क्योंकि आपके इंग्रेडिएंट पे ये डिपेंड करता है कि आप इंग्रेडिएंट जो ली हैं उस पे डिपेंड करता है। कभी कभी किसी के ज़्यादा लगता है तो कभी कभी किसी के कम लगता है। बस आपको कंसिस्टेंसी चेक करना है, एक रिबन की तरह घिरते हुए आना चाहिए। इसीलिए फ्रेंड्स मैं कभी मिल्क का मेजरमेंट नहीं देती हूँ, बस आपको कंसिस्टेंसी को चेक करना है रिबन की तरह घिरते हुए, बस आपको वहीं डन कर देना है। ना ही ज़्यादा पतला हो, ना ही ज़्यादा थिक हो, बस एक आपको बस जैसे हो रिबन की तरह दिख रहा है वैसे आपको करके यहाँ पर डन कर देना है, जो कि मेरा डन हो चुका है। चलिए आप आगे के प्रोसेस करते हैं। अब इस बैटर को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। जैसे कि मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम 1/2 डाल देंगे, क्योंकि हमें मार्बल बनाना है ना, मार्बल के तो मार्बल अफेक्ट देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने 1/2 निकाल दिया है मैंने यहाँ पर बैटर, और बैटर में डालूंगी मैं यहाँ पर ये सुपर रेड ऑयल, मतलब ये ऑयल बेस, ये रेड कलर है। आप कोई भी ड्राई या लिक्विड कोई भी रेड कलर आप डाल सकते हैं, हल्का डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 2 से 3 बूंद काफ़ी है। और इसे डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें मार्बल इफेक्ट इसी से आएगा। तो इसमें आप चाहें तो आप एक कलर का ही बना सकते हैं सिर्फ स्ट्रॉबेरी का, या आप चाहें तो दोनों कलर भी। आप जैसे कि इसमें एक ये डाल दिए और एक में वाइट ऐसे रख दिए। तो यहाँ पर मैंने ये स्ट्रॉबेरी लिया है, मैं इसे चॉप करके 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है अगर आपको बस नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे हम डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम कट एंड फोल्ड
के मेथड से इसे मिक्स करेंगे। बहुत जोर से मिक्स बिल्कुल ही नहीं करना है, बस थोड़ा सा एकदम हल्के हाथों से मिक्स करना है कट एंड फोल्ड से। अब ये मैं यहाँ पर डालूँगी एकदम कम, मतलब कि हाफ टीएसपी से 1/4 टीएसपी तक आप डाल सकते हैं सारा विनेगर। इसमें बस इतना ही मिक्स करना है क्योंकि हमने पहले भी विनेगर डाला है, तो बस इतना ही मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं मिक्स करना है। कट एंड फोर्ड के मेथड से भी इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ, यहाँ पे डन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सेकंड बाउल ले रही हूँ। अब इसमें मैं जो हमारा कलर वाला था हम दोनों मिक्स कर लेंगे एक साथ। देखिए हम एक बाउल में फिर मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ और सारा हम जो बैटर है इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे पूरा निकाल कर। अब क्या करेंगे, इसे हल्के हाथों से, बस हल्के हाथों से, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मिक्स करना है। पूरा मिक्स बिल्कुल नहीं करना है आपको, एकदम थोड़ा सा कट एंड फोल्ड से इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है, बस दो बार, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। अपना हम केक टिन लेंगे जिसमें मैंने बटर पेपर सेट करके पहले से रखा हुआ था, इसमें हम डाल देंगे अपना बैटर। देखिए अब यहाँ पे हम सारा बैटर डाल देंगे इसमें, और इससे क्या होगा, ये आपका एक खूबसूरत सा, मतलब कि अच्छा सा एक कलर आएगा जिसे हम मार्बल कलर बोलते हैं, वही आपके केक में आएगा, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि आप चाहें तो एक कलर का ही बना सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो यहाँ पर देखिए इससे क्या होता है, एक खूबसूरत सा कलर आता है बस। तो यहाँ पर मैंने सारा डाल दिया है, बस आपको इस तरह से गिराना है, कुछ मिक्स वगैरह कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर ये डन है, इसे हम बेक करेंगे। OTT में बेक कर रही हूँ 180 डिग्री पर, दो बार टैप कर दिया है मैंने। और तो यहाँ पर ये बेक हो चुका है, और बेक करने के बाद में से निकाला है, और देखिए यहाँ पर मैं एक स्टिक को इंसर्ट कर रही हूँ, ये बिल्कुल क्लीन आ रहा है, इसका मतलब ये डन हो गया है। तो 10 मिनट्स प्रीहीटेड OTG में 35 से 40 मिनट तक मैंने इसे बेक किया है। रिजल्ट आपके सामने है, और सॉफ्ट बना है, तो आप देख लीजिए। अब यही ये गर्म है, अब इसे ठंडा करने के लिए रख दूंगी, और इसे ठंडा होने में 10 से 15 मिनट लग जाएगा। तो यहाँ पर ये ठंडा हो गया है, अब मैं इसे डिमोल्ड कर लेती हूँ। डिमोल्ड करने के बाद आप इसका देखिएगा फ्लफीनेस दिखाऊंगी, और इसकी मतलब कि आप इतना टेस्टी बना हुआ है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नहीं विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा फॉर ऑल अपडेट्स के लिए। और हाँ, जितना हो सके प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और आपको ये रेसिपी कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। देखिए मैं इसे हाथ से छू रही हूँ तो बिल्कुल ऑयल हाथ में नहीं लग रहा है, और इसका थिकनेस देखिए कितना थिकनेस, एकदम पिल्लो की तरह एकदम ये मोटा बना हुआ है, एकदम मतलब कि और उसमें ही सॉफ्ट बना हुआ है। तो एक ट्राई ज़रूर बनता है, ऐसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए मैं बटर पेपर रिमूव कर रही हूँ, इसमें बिल्कुल भी बटर पेपर में चिपका नहीं है, आप देख पा रहे हैं। और कितना मतलब देखने में पीछे से भी कितना इसे खूबसूरत लग रहा है देखने से, एकदम मतलब स्पॉन्ज एकदम इस पिल्लो की तरह। एक ट्राई तो बनता है, ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को खिलाइएगा, घर में सबको पसंद आएगा। और मैं इसे आपको कट करके भी दिखाऊंगी। उसके पहले कट करने से पहले यहाँ पर मैंने हर्शीज़ का ये सिरप है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इसे डालना है आपके पास तो डालिए, बना स्किप कर दीजिए। इसे डालने से थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा आ जाएगा, तो इसे मैं थोड़ा सा मैंने डाल दिया है केक के ऊपर, इस तरह से डिजल कर दिया है। और फिर से मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, तो आप देखिए कितना कटने में, मतलब मैं क्या बताऊँ, जब मैं काट रही थी ना, एकदम सॉफ्ट लग रहा था। टेक ट्राई ज़रूर कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा। अब मैं इसकी जाली आपको दिखा रही हूँ, देखिए इसकी जाली, और देखिए इसकी थिकनेस कितनी आई है। तो आपके पास कोई ज़रूरी नहीं है कि तीन है केक उसी में बेक करें, बिल्कुल नहीं। आपके पास किसी भी कोई डब्बे हो, कोई भी मोल्ड हो, या घर में कुछ किसी प्रकार के डब्बे हो, उसमें भी आप केक को बेक कर सकते हैं, ठीक है। बटर पेपर नहीं है तो उसमें आप थोड़ा सा ऑयल लगाकर और ग्रीस कर दीजिए मैदे से या आटे से। अब यहाँ पे मैंने एक ओरियो चॉकलेट केक बनाया था, इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, इसकी भी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो अब मैं स्ट्रॉबेरी केक की प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए मैंने प्लेटिंग कर दी है ढेर सारे स्ट्रॉबेरी के साथ, कैसा लग रहा है आपको, लुक देखने में है ना डिलीशियस, उतना ही खाने में है। तो एक ट्राई बनता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख के बनाइए, बिल्कुल का केक अच्छा बनेगा। तो फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।